जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ लगती लग घाटी के अंतिम गांव को जोड़ने वाला सलातरी नामक स्थान पर बना पुल बीते दिन नदी के तेज बहाव में बह गया। ये इलाका प्रदेश सरकार में CPS सुंदर ठाकुर का गृह क्षेत्र भी पड़ता है। पुल बह जाने से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों सावन का महीना भी चला हुआ है, तो ऐसे में माता फुंगड़ी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु भी सलातरी नामक स्थान से ही वापस लौट रहे हैं। पिछले वर्ष भी आपदा के दौरान पुल नदी में बह गया था और ग्रामीणों के द्वारा टेम्परेरी पुल बनाया गया था, जो बीती रात्रि को भारी बारिश के कारण नदी के बहाव में बह गया। सरकार पिछले एक वर्ष में एक पुल भी नहीं बना पाई है। ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है। माता फुंगड़ी के कारदार रामलाल ने बताया कि घाटी के अंतिम गांव तीउन को जोड़ने वाला पुल नदी के बहाव में बह गया है। ऐसे में सभी ग्रामीण मिलकर आने जाने के लिए पुली का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से हर दिन स्कूल के बच्चे, ग्रामीण सहित माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु भी इस पुल से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो पुल ग्रामीणों के द्वारा बनाया जा रहा है, वो कभी भी नदी के बहाव में बह सकता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को कहा कि समय रहते यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए, ताकि ग्रामीणों को बार बार इस समस्या से न जूझना पड़े। बनाने के लिए सभी गाँव वाले आए हैं। जो पिछले साल 8 जुलाई 2023 को भारी बरसात से पुल बह गया था, और इस बार भी हमने उसके पश्चात हमने वहाँ पर एक पुली लगाई थी। इस बार भी बीती रात को भारी बरसात होने के कारण बहुत चले गई है। सरकार और प्रशासन एक साल में कुछ नहीं कर पाई, परंतु यहाँ पर रोज इस रास्ते से, इस पुल से हमारा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल गणिंगसा में है, सब बच्चे चलते रहते हैं। पूरे गाँववासी इसी गाँव से गुजरते हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो ऐतिहासिक मंदिर, जो माता फुंगड़ी का मंदिर है, इसमें हमारे हर दिन हर वर्ष हर महीने जो श्रद्धालु चलते रहते हैं, चाहे वो कुल्लू से हो, मंडी से हो, चाहे वो कांगड़ा से हो, ये हमारा सलातरी नामक स्थान जो हमारे लग घाटी के जो त्यून को जोड़ने वाला ये पुल जो है, पूरी तरह आज बीती रात में क्षतिग्रस्त हो गया है। परंतु हमने पिछले वर्ष जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था, इसमें हमने चलने के लिए कुछ गांववासी की मदद से एक पुल ही लगाई थी। सरकार और प्रशासन आज तक कुछ नहीं कर पाई। कभी भी इसमें बड़ी अनहोनी हो सकती है। मैं सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में बड़ी अनहोनी होगी तो सरकार और प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। मैं सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल